इतने सालों से मैं इन सब लोगों को गलत समझता रहा, लेकिन पिछले शादी के 8 दिनों ने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने हमेशा यही चाहा कि अपनी बच्चियों के फैसले मैं खुद करूं, लेकिन कहां कर पाया मैं कोई फैसला। मैंने तो सिर्फ दूसरों के फैसलों को मंजूरी दी। आपका बेटा मेरे पास रिश्ता लेकर आया, मैंने हां कर दी। फिर जब दुर्गा बहन जी को देखा तो लगा कि ये रिश्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके बेटे वीर के विश्वास के आगे मैंने अपना फैसला बदल दिया और फिर हां कर दी। चुन्नी चढ़ाने वाले दिन दुर्गा बहन जी ने माही को राजी समझ लिया। गलतफहमी में बात इतनी बढ़ गई, लेकिन मैंने फिर भी हां कर दी। दुर्गा बहन जी बिना खाए चली गई, ये कह के कि उनका व्रत है, लेकिन बाकी सभी के चेहरों ने हकीकत बयान कर दी। आज जब दुर्गा बहन जी ने अपने छोटे पुत्र जीत के लिए माही का हाथ मांगा तो मैं हां नहीं कर सका। बेटी की शादी के बाद बाप का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन शादी से पहले क्या फैसले लेने का अधिकार भी नहीं है? मैं तो शब्दों के फेर में फंस गया। कहते हैं कि हम कन्यादान करते हैं, कहां करते हम कन्या का दान? हम तो दूसरों के हिसाब से कन्या का बलिदान करते हैं। कन्या का बलिदान करते माफ करना खुराना साहब, दिल आज बहुत ही दुख के है। ऊपर वाले ने हम सबको शक्लें तो इंसान की दे दी, लेकिन हमारे सीने में दिल अलग अलग किस्म का लगा दिया है। बेटी वालों का दिल जरा कमजोर बना दिया है। इसका फायदा उठाकर इंसान ने रिवाज बना दिए कि बेटे वाला कुछ भी कर सकता है और बेटी वाला ये कर सकता है ये नहीं कर सकता, और ये रिवाज नहीं बदलते। जहां हर पल इंसान की नीयत बदलती है वहां रिवाज नहीं बदलते। हमारे साथ भी आज वही हुआ है। मेरी एक ना के कारण दुर्गा बहन जी को इतना बुरा लग गया कि वो बेटी की शादी छोड़ के चली गई। आ गया ना सच जबान पे।